ये क्वेश्चन है 2x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल 5 होगा क्या? ये लगभग हर साल पूछते हैं 2 नंबर में, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में, बने रहिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको तोड़कर, तो है हमारा 2x² - 5x + 2 = 0। इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 4। 4 में कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसे 1 से 4 2 2 1 4 2 2 1 4 लग जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। 2x² - x - 4x + 2 जोड़ने या घटाने पे इसके बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर होना चाहिए, तब इसमें कॉमन होगा एक्स कॉमन, 2x - 1। इसमें -2 कॉमन, तो 2x - 1। तो अब कॉमन क्या है, 2x - 1। 2x - 1 अब बचेगा क्या, x - 2 = 0। इफ़ ये ए एंड बी दो एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब कोई दोनों में से एक संख्या 0 के बराबर है, तभी 0 है। तो इफ़ 2x - 1 = 0 देन एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2। एंड इफ़ x - 2 का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 2 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये जो आया एक्स बराबर 1/2 / 2 यही होता है मूल, इसी को मूल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का 2 मूल आया, पहला 1/2, दूसरा 2। तो इस क्वेश्चन का नाम है क्या 2x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल 5 होगा क्या? जाहिर सी बात नहीं होगा। थैंक यू।